हम देख रहे हैं कि जनसभा को लेकर तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर कुर्सियां भी लगी हुई हैं और पूरा जो पंडाल लगभग तैयार हो गया है। और दूसरी तरफ मौसम देखते हैं कैसा बनेगा। तो हमारे साथ तो यहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं आम आदमी पार्टी से, बात करते हैं कि कहाँ तक आप जी। सर, मैं बताना चाहूंगा आपको, लगभग हमारा 1 लाख का टारगेट है। आपके सामने देखिए 40,000 कुर्सियां लगभग लग चुकी है हमारी, और ये सारा एरिया बाकी है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि गंगानगर की जनता व राजस्थान की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए व भगवंत मान जी को सुनने के लिए उनका आंखें बिछाई उनका इंतजार कर रही है। तो आपकी पार्टी अंदर से तो आपकी पार्टी लग रही है तो, परंतु बाहर तो कांग्रेस की ही जो फौज सर, बनी हुई है। ये मैं बताना चाहूंगा कि परसों तक यहाँ पे हमारे आम आदमी पार्टी के बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन आज अच्छा दिखाना, हाँ कांग्रेस वालों ने हर जगह जगह, देखो आप अंदर के देखिए कि गहलोत साहब ने पोस्टर लगा दिए अपने, हमारे पोस्टर को फाड़ा गया, उसके बाद में उसके ऊपर भी लगाए गए हैं। तो इस तरीके की ये जो कांग्रेस सरकार कर रही है, इसका मतलब यही हो रहा है कि साफ नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी से डर गई है, कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद में पूरे राजस्थान का जो माहौल है वो अलग रहेगा और आम आदमी पार्टी का माहौल बनेगा। तो प्रत्याशी जो अमित कारगोल जी कह रहे हैं कि जो माहौल है वो काफी अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए लोग आएंगे।